नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो चारों ओर कैसे खुशियां छा जाती हैं, हम सभी कैसे उनकी देखभाल में लग जाते हैं। एक बच्चे के जन्म के साथ ही एक माँ का भी जन्म होता है। हम सभी की यही कोशिश होती है कि माँ और बच्चा दोनों ही स्वस्थ रहें, और इसके लिए माँ को तरह तरह की पौष्टिक और स्वादिष्ट चीज़ें भी खिलाई जाती हैं, जैसे गुड़, हरीरा, ताकि बच्चा जो कि पूरी तरह से आहार के लिए अपनी माँ पर निर्भर होता है, उसकी आहार संबंधी सभी ज़रूरतें पूरी हो सकें। और इसके लिए माँ का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, और यही बात पशुओं पर भी लागू होती है। कैसे, इस बारे में हम आपसे और बातें करेंगे, लेकिन अभी वक्त हो गया है कृषि समाचारों का, तो आइए सुन लेते हैं खबरें खेती की और मंडी भाव। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं कृषि की खास खबरों पर। सरकार कृषि विकास के प्रति गंभीर, 10 जिलों में बनेंगे 500 कोल्ड रूम, चने की फसल में रोग नियंत्रण, फसलों में बोरान का महत्व, कीटनाशकों के छिड़काव में सावधानियां। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि इस बार के बजट से यह बात एक बार फिर स्पष्ट हो गई है कि केंद्र सरकार गांव, गरीब और किसानों के लिए काम कर रही है। श्री सिंह ने कहा कि पिछले वर्ष का 2% कृषि विकास दर इस वर्ष बढ़कर 4% हो जाना इस बात को दर्शाता है कि सरकार किसानों और खेतीबाड़ी की बेहतरी के लिए कितनी गंभीर से काम कर रही है। किसानों की आय 5 वर्षों में दोगुनी करने की सरकार की प्रतिबद्धता भी इस बजट में रेखांकित हुई है। श्री सिंह ने कहा कि पूर्व की योजनाओं को गतिमान बनाने का प्रावधान किया गया है, साथ ही श्वेत एवं नीली क्रांति के संकल्प को भी इस बजट में उजागर किया गया है। प्रदेश में फल और सब्जियों की भंडारण क्षमता में वृद्धि करने और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए बड़ी संख्या में कोल्ड रूम बनाए जा रहे हैं। सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 10 जिलों का चयन कर वहां 500 कोल्ड रूम बनाने को स्वीकृति दी है। ये कोल्ड रूम 10-10 मीट्रिक टन क्षमता के होंगे। एक कोल्ड रूम बनाने पर 6-7 लाख रुपए खर्च होंगे। इसके लिए सरकार की ओर से 25,000 रुपए प्रति मीट्रिक टन की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। उकठा रोग का प्रकोप चने की फसल पर अधिक होता है। रोग के लक्षण प्रायः फसल के प्रारंभिक अवस्था से लेकर फूल लगने की अवस्था पर दिखाई देते हैं। रोग के प्रभाव से पौधा पीला होकर सूख जाता है। अगर रोग उग्र अवस्था में है तो पूरी फसल नष्ट हो जाती है। खड़ी फसल में 25 से 30 दिन की फसल पर हेक्साकोनाजोल 30 मिलीलीटर प्रति पंप छिड़काव करना चाहिए। चने के उकठा रोग के प्रति सहनशील प्रजातियों का चयन भी लाभदायक पाया गया है। बोरान की कमी होने पर फसलों में फूल एवं फल कम बनते हैं, और अगर बन भी जाते हैं तो गिर जाते हैं। फसलों में इसकी कमी मुख्यतः आम, कटहल, अनार व नींबू में अधिकांशतः देखने को मिलती है। बोरान की कमी से अनार, नींबू, कटहल व आम इत्यादि में फल फटने लगते हैं, जिससे उनका बाजार में सही भाव नहीं मिलता तथा सड़न भी हो जाती है। बोरान की कमी से फल काले भी पड़ने लगते हैं तथा बाद में काला भाग सड़ जाता है, और फलों के साथ साथ सब्जियों जैसे फूलगोभी, शलजम, मूली, गाजर इत्यादि जड़ों वाली फसलों में इस तत्व की कमी से ब्राउन हार्ट नामक विकार हो जाता है, जिसमें जड़ों के मोटे भाग पर गहरे काले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं तथा जड़ें फट जाती हैं। पत्तियां छोटी होती हैं तथा बाद में पूरा पौधा ही बौना दिखने लगता है। फूलगोभी में फूल का तना खोखला हो जाता है व भूरे रंग का हो जाता है। बोरान की कमी दूर करने के लिए 500 ग्राम बोरेक्स तथा 100 ग्राम यूरिया को 100 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करना चाहिए। ये छिड़काव 20-20 दिनों के अंतराल पर 2-3 बार दोहराना चाहिए। इसके अतिरिक्त 0.2% बोरेक्स या सुहागा का छिड़काव 10-10 दिनों के अंतर से 2 बार कर देना चाहिए। फसलों में कीटनाशक छिड़काव के दौरान आवश्यक सावधानियां बरतने की जरूरत होती है। स्प्रे करते समय अपने शरीर को ढक कर रखें, मुंह नाक पर कपड़ा बांधें एवं हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनें। हवा चलने की दिशा में मुंह करके दवा का छिड़काव करें तथा दवा छिड़काव का कार्य सुबह शाम करें। तेज हवा चलने पर छिड़काव भुरकाव का कार्य कदापि ना करें।
छिड़काव करते समय कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, ना ही धूम्रपान करें। छिड़काव करते समय नोजल से ठीक फुहार ना आने पर नोजल को कभी भी मुंह से फूंककर या तिनके से साफ ना करें। नोजल की सफाई हेतु सुई का प्रयोग करें। जिन व्यक्तियों को चोट लगी हो या चर्म हो, उन्हें दवा का घोल बनाना एवं छिड़काव का कार्य नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ किसान भाइयों, खबरें खेती में फिलहाल इतना ही, और अब आप देखिए मंडी भाव। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। सबसे पहले जानते हैं टमाटर के प्रति क्विंटल भाव। भोपाल में न्यूनतम 250 रुपए और अधिकतम 350 रुपए। छिंदवाड़ा में न्यूनतम 200 रुपए और अधिकतम 300 रुपए। देवास में न्यूनतम 250 रुपए और अधिकतम 500 रुपए। और इंदौर में न्यूनतम 200 रुपए और अधिकतम भाव 400 रुपए रहा। इसके बाद जानते हैं प्याज के भाव। दमोह में न्यूनतम 400 रुपए और अधिकतम 425 रुपए। हरदा में न्यूनतम 300 रुपए और अधिकतम 500 रुपए। राजगढ़ में न्यूनतम 200 रुपए और अधिकतम 700 रुपए। और श्योपुर कला में न्यूनतम 600 रुपए और अधिकतम भाव 700 रुपए रहा। अंत में जानते हैं आलू के प्रति क्विंटल भाव। मंदसौर में न्यूनतम 600 रुपए और अधिकतम 800 रुपए। दमोह में न्यूनतम 500 रुपए और अधिकतम भी 500 रुपए। राजगढ़ में न्यूनतम 200 रुपए और अधिकतम 600 रुपए। और भोपाल में न्यूनतम 260 रुपए और अधिकतम भाव 540 रुपए रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। किसान भाइयों, समाचारों पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे माँ की, उनकी देखभाल की, ताकि बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ रहें। और यही बात पशुओं पर भी लागू होती है, ये हम आपको बता रहे थे। जी हाँ, क्योंकि अगर माँ स्वस्थ होगी तभी बच्चा भी स्वस्थ होगा। केवल पशुओं को हरे मैदानों में छोड़ देने से भर उनकी आहार संबंधी ज़रूरतों की पूर्ति नहीं हो जाती है। इसके लिए पशुओं को संतुलित आहार देना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें कि हरा चारा, सूखा चारा और दाना सभी कुछ संतुलित मात्रा में मौजूद हो। क्योंकि माँ जब स्वस्थ होगी तभी वह बच्चे की आहार संबंधी सभी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम होगी। दुधारू पशुओं में आहार प्रबंधन किस तरह से किया जाना चाहिए, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर विवेकिन पचौरी जी, जो कि पशु चिकित्सा वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र सागर में। इस समय ठंड के मौसम में रबी
के जो चारे हैं जैसे बरसीम है, लूसन है, जई है, इनको हम दे सकते हैं। पशुपालक बिना किसी दाने खिलाए हुए सिर्फ हरे चारे को खिलाने से ही 8 से 10 किलो दूध का उत्पादन ले सकते हैं। हरे चारे में खासियत ये होती है कि उनमें एक ईस्ट्रोजेनिक नाम का कंपाउंड भी होता है, जिससे पशु बहुत जल्दी गर्मी में आते हैं। हमको गाभिन पशु की, हर साल एक गाभिन पशु हमको पशुओं से, चाहे गाय का उदाहरण हो या भैंस के उदाहरण में, हमको हर साल एक पशु उत्पादन में मिल जाता है। दूसरी बात यह है कि हरा चारा में खासियत यह होती है कि इसमें पानी की प्रचुर मात्रा होती है, प्रोटीन की प्रचुर मात्रा होती है, और इनमें गर्मी से लड़ने के लिए यानी ठंड से लड़ने के लिए पशुओं के लिए एक प्रतिरोधक क्षमता आती है। इनमें इस तरह का उत्पाद उनके एक हरे चारे में होता है। अगर मैं दूसरी बात करूं तो पशुओं को दाने के संबंध में, तो 2.5 किलो दूध पे 1 किलो दाना हमको गाय के केस में खिलाना है, और प्रति 2 किलो दूध पे 1 किलो दाना हमको भैंस के केस में खिलाना है। भैंस के केस में इसलिए हमको थोड़ा कम दाना खिलाना है क्योंकि उसका जो फैट कंटेंट होता है भैंस का, वो ज़्यादा होता है। इस तरह से जिस तरह हमको दाने दूध की दुग्ध अवस्था होती है, उसी तरह से हमको उनको चारा खिलाना है, और 2% 2 kg मेंटेनेंस राशन हमको देना है। अगर हम बात करें तो 2.5 से लेकर 3% ड्राई मैटर पशुओं के वजन के हिसाब से हमको उनको खिलाना होता है। अगर हम सूखे भूसे की बात करें तो सूखा भूसा हमको चाहे वो गेहूं का भूसा हो, चाहे सोयाबीन का भूसा हो, यह पशु को खिला सकते हैं, लेकिन इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत कमी होती है। इस हेतु हम पशुओं को यूरिया मिक्स सूखा भूसा दे सकते हैं। यूरिया मिक्स करने से भूसे में 9 से 12% प्रोटीन कंटेंट हो जाता है, और जो दुधारू पशुओं के उत्पादन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैं यूरिया मिक्स्ड भूसा किस तरह से बनाना उसके बारे में बताऊंगी, तो 4 किलो यूरिया ले लीजिए, 60 लीटर पानी ले लीजिए, इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, और 100 किलो भूसे में किसी ऐसी जगह जहां पशुओं का आना जाना ना हो, बच्चों का आना जाना ना हो, खुली दलान में उसको 100 किलो भूसे में अच्छी तरह से यूरिया मिक्स पानी को मिला लें, उसको पन्नी से कवर करके रख लें, 30 से 45 दिन तक इसको कवर करके रख दें। उसके बाद इसको थोड़ा सा खोल लें जिससे उसकी अमोनिया गैस, जो एक टॉक्सिक गैस है, वो चली जाए। उसके बाद हम पशु को उसको 0.5 किलो, 1 किलो, 1.5 किलो तक खिला सकते हैं, जैसा कि पशु को धीरे धीरे उसको आदि हो जाएगा इसके खाने से। इसके खाने से पशुओं में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन का कंटेंट चला जाएगा। इसके साथ साथ मैं पशुपालकों को ये कहती हूँ कि नियमित तौर से आप खनिज पदार्थ जो होते हैं, पशु जब गाभिन है तो उसके आखिरी 3 माह में, जैसे भैंस के केस में 10 महीने 10 दिन होता है, और गाय के केस में 9 महीने 9 दिन होता है, आखिरी के 3 माह से खनिज पदार्थ 30 ग्राम प्रतिदिन दें, और दुग्ध अवस्था के आगामी 3 महीने तक, 6 महीने खिलाने से हमारे यहाँ दुग्ध अवस्था प्रॉपरली होगी। पशुओं को जो बॉडी से कैल्शियम निकल गया है फीटल डेवलपमेंट के लिए, बच्चे के लिए और दूध के लिए, उसकी कमी पूरी होगी, और पशु शीघ्र ही हीट में आएगा। 2 से 3 महीने तक का जो उसका ड्राई समय रहता है वो रहेगा। उसके बाद वो जब आप AI करवा देंगे या नेचुरल सर्विस कराएंगे, तो पशु हमको एक नया, साल भर के अंदर एक नया पशु बछड़ा या बछिया हमको उत्पादन में मिलेगा। इसके साथ साथ पशुओं में आजकल जो नया एक चलन आया अजोला खिलाने का, अजोला भी एक बहुत एक रिच डाइट है। कारण इसमें एक अमीनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं। 6x10 का पशुपालक अपने यहाँ एक टैंक बना सकते हैं, उसमें अजोला डाल सकते हैं। अजोला एक फर्न है, ये क्विक तुरंत ही ग्रो करती है, और हर 6 से 7 बार हम इसका उपज ले सकते हैं, और हर उपज में 1 किलो को अजोला प्राप्त होगा। ये हम मुर्गियों को खिला सकते हैं, ये हम सुअर को खिला सकते हैं, ये हम गाभिन पशु को खिला सकते हैं, और इवन सुअर में तो 50% दाने को कटौती करके हम इसको खिला सकते हैं। इसको सुखा के भी हम रख सकते हैं कि सुखाने, इसके ड्राई पोजीशन में रखने के बाद जब हमारे पास इसकी खपत नहीं होगी, हमारे पास उपज नहीं होगी, तो हम इसको खिला सकते हैं। ये इनके पशुपालकों के बारे में, खाने के बारे में मुख्य बातें हो गई। और अगर मैं ठंड के बारे में बात करूं कि पशुओं को ठंड में किस तरह से बचाया जा सकता है, तो पशुओं को ठंड में बचाने के लिए आप उनको ऐसे स्थान पर रखें जहां उनमें सीधी हवा ना आए, पशुओं का पशुशाला में, और इसके साथ अगर
सीधी हवा आ रही है तो आप बोरे पन्नी साड़ी वगैरह से उनको कवर्ड कर सकते हैं। इसके साथ साथ पशुओं को धूप में रखें, उनको एक्सरसाइज कराएं और इसका ध्यान रखें कि पशुओं को स्टॉल फीडिंग कराएं, यानी अपने घर में ही पशुओं को हरा चारा काट के खिलाएं, उनको बाहर चरने ना भेजें। इससे यह होगा कि पशुओं को जब स्ट्रेस होता है चरने जाते हैं तो 30% दूध कम हो जाता है, 30% दूध की कमी आ जाती है। तो हम वहीं पर रखें, उनको हरा चारा हम खिलाएँ और उनको स्नान कराएँ, धूप में रखें। इसके साथ साथ मैं पशुपालकों को अक्सर ये समझाइश देती हूँ कि आप पशुओं को डीवर्मिंग कराएं, पेट की कृमिनाशक औषधि दें। बहुत सारी कृमिनाशक औषधियाँ बाजार में उपलब्ध हैं, जैसे आइवामेक्टिन है, एल्बेंडाजॉल है, फेलबेंडाजॉल है और छोटे पशुओं के लिए पिपराजीन है। अगर हम बड़ी पशुओं के लिए फेनबेंडाजॉल की बात करें तो 3 ग्राम प्रति 300 किलो के वजन पर हमको गोली देनी है। अगर 300 किलो का है तो 1 गोली, अगर 150 किलो का है तो उस गोली को आधा हिस्सा कर दीजिए, आप खिलाइए। और ये गोली ऐसी है कि आइवामेक्टिन, फेनबेंडाजॉल हाईटेक नाम से बाजार वगैरह में उपलब्ध है। इन गोलियों से पशुओं का गाभिन स्थिति में भी हम इसको दे सकते हैं। इससे ये होगा कि पशुओं का पेट की कृमि निकलेंगी और पशु स्वस्थ रहेंगे और दुग्ध उत्पादन भी दिनों दिन बढ़ोतरी होती जाएगी। ये बदलाव क्या है भैया? ये बड़े काम की चीज है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है, हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। बात गांव की, बात किसान की, जानकारी नई तकनीक की, मुलाकात सफल व्यक्तियों से, साथ में मनोरंजन और भी बहुत कुछ, ये सब मिलेगा आपके अपने कार्यक्रम गांव इंडिया में। तो देखना ना भूलें सोमवार और मंगलवार सुबह 7:30 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, आप सभी कृषि महाविद्यालय तो नहीं गए होंगे। जी हाँ, सभी को ये मौका नहीं मिलता कि वो कृषि महाविद्यालय में जाएं, वहाँ की गतिविधियाँ देखें। वैसे मैं भी कभी कृषि महाविद्यालय नहीं गई हूँ और मुझे भी नहीं पता है कि वहाँ कौन कौन सी गतिविधियाँ होती हैं। वैसे तो वहाँ खेती से जुड़ी सभी बातों की जानकारियाँ दी जाती हैं, जैसे मिट्टी को परीक्षण कैसे करें, बीज उपचार कैसे करें, बीजों का चयन किस तरह से किया जाए और इसके अलावा नई नई किस्मों का विकास किस तरह से किया जाए। और इसके अलावा भी वहाँ पाठ्यक्रम होता है, खेती से जुड़ी सभी कुछ पढ़ाई लिखाई और सभी जानकारी वहाँ पर दी जाती है। जी हाँ, जैसे कि हमें और आपको तो मौका नहीं मिला है कि कृषि महाविद्यालय में क्या क्या होता है, तो क्यों ना आज कृषि महाविद्यालय में चलकर देखा जाए कि वहाँ की गतिविधियाँ किस तरह की होती हैं। तो आइए लिए चलते हैं आपको कृषि महाविद्यालय की गतिविधियाँ दिखाने। और साथ ही हमारे साथ विशेषज्ञ भी हैं, डॉक्टर IM खान जी, जो कि डीन हैं कृषि महाविद्यालय गंज बासोदा में। कृषि महाविद्यालय गंज बसौदा, जो कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर का एक इकाई कॉलेज है, इस महाविद्यालय में अंडर ग्रेजुएट या स्नातक स्तर की BSc कृषि या कृषि स्नातक की शिक्षा दी जाती है। इसमें एडमिशन व्यापम द्वारा चयनित प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के माध्यम से, जो कक्षा 12 में कृषि संकाय से अथवा बायो संकाय से अथवा मैथ संकाय से जो बच्चे हैं वो एडमिशन ले सकते हैं इस PAT टेस्ट को पास करने के बाद। इसमें कृषि महाविद्यालय गंज बसौदा में जो इनटेक कैपेसिटी है वो 48 छात्रों की है, जिसमें कि 40 छात्र फ्री सीट में और 8 छात्र जो हैं वो पेमेंट बेसिस पे उनका एडमिशन होता है। वर्तमान में यहाँ पर कृषि महाविद्यालय गंज बसौदा में BSc प्रथम वर्ष से लेकर BSc चतुर्थ वर्ष के बीच में कुल 184 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। इनमें से करीब 38 छात्राएं सम्मिलित हैं, 146 छात्र और 38 छात्राएं इसमें यहां पर अध्ययनरत हैं, जिसमें तकरीबन
55 से 60 छात्र छात्राएं यहां की स्थानीय और आसपास के गांवों से सम्मिलित विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। यहां पर पठन पाठन का बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है और यहां से जो छात्र निकल रहे हैं वो पीजी या स्नातकोत्तर कक्षाओं में विश्वविद्यालय स्तर पर या अन्य जो कि ग्वालियर राजमाता सिंधिया विश्वविद्यालय वहां पर भी एडमिशन ले रहे हैं, प्रदेश के अन्य कॉलेजों में इसमें एडमिशन ले रहे हैं। बीज उत्पादन कार्यक्रम भी हम यहां पर ले रहे हैं जिसमें कि चना, रबी सीजन में चना और अलसी, जिसमें कि चने की जो वैरायटी है वो JG63 और अलसी की JLS27 नामक वैरायटी का यहाँ पर बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया जा रहा है। ये बीज उत्पादन कार्यक्रम जबलपुर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से लिया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है जो बीज उत्पादन कार्यक्रम में हमारा जो बीज निकलेगा वो किसानों के कार्य आएगा। इसके अलावा यहाँ पर एरीगेशन फैसिलिटीज़ डेवलप की गई हैं, साथ ही छात्रों के लिए बहुत ही अच्छा स्पोर्ट्स का या खेलकूद की व्यवस्थाएं हैं। यहाँ मैदान हैं जिसमें कि छात्र नियमित रूप से अपना अभ्यास करते हैं और विश्वविद्यालय स्तर पर भी अपना यहाँ गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल इत्यादि विगत वर्षों में भी जीतते आए हैं। साथ ही कल्चरल एक्टिविटीज़ भी हमारी लगातार होती रहती हैं। 2000 पौध हमने विभिन्न किस्म के जिसमें करंज है, सीसम है, बबूल है, सुबबूल है, कचनार है, गुलमोहर, ये इत्यादि किस्म के 2000 पौधे इस सीजन में हमने वर्षाकाल में रोपण किए थे जो कि पूरे बहुत अच्छे तरीके से लगे हुए हैं। आज की स्थिति में भी इनका जो सर्वाइवल परसेंटेज बहुत अच्छा है और उम्मीद करते हैं कि इस कैंपस आने वाले दिनों में और बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर शैक्षणिक गतिविधियों के अलावा हमने एक कॉमन लैब का प्रारंभ भी किया है जिसको कि हम कॉमन इंस्ट्रूमेंटेशन लैब CIL नाम दिया है। इसमें हमने सभी प्रकार के सभी विषयों में, चाहे वो पैथोलॉजी का हो या कीट शास्त्र से संबंधित हो या पौध रोग शास्त्र से हो, मिट्टी परीक्षण से संबंधित हो या अन्य किसी भी किस्म के विषय, विभिन्न विषयों के इंस्ट्रूमेंट को एक जगह रख के छात्रों को इसमें प्रायोगिक परीक्षाएँ या प्रायोगिक उनको उदाहरण के तौर पर करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाता है, जिससे छात्र न केवल उसका थ्योरी ज्ञान प्राप्त करें बल्कि साथ ही साथ उसका प्रैक्टिकल ज्ञान भी अच्छी तरीके से प्राप्त करें ताकि इसके बाद वो जहां पर भी जाएं तो चाहे वो मिट्टी परीक्षण से संबंध हो वो उसकी पूरी प्रक्रिया अच्छी तरीके से अवगत हों, क्योंकि हमारे प्रदेश शासन का भी यही उद्देश्य है कि जो छात्र यहाँ से निकलें तो अच्छी तरीके से अपने कार्य में पारंगत हों। इस महाविद्यालय के यहाँ होने से हमारे यहाँ आसपास के इस विदिशा ज़िले और विदिशा न केवल विदिशा ज़िले बल्कि बगल में अपने जो भी ज़िले हैं इन सभी के किसानों को फ़ायदा हुआ है। यहाँ पर किसानों की फसल संबंधित जो भी समस्याएँ हैं उनको हम लोगों को जब पता चलता है तो हम स्वयं उनके यहाँ खेतों में जा रहे हैं अपनी टीम को लेके, चाहे वो पौध संरक्षण का मामला हो, कीड़े बीमारियों का मामला हो या उनकी मिट्टी परीक्षण से संबंधित हो, हमारे वैज्ञानिक खुद खेतों के अंदर जा रहे हैं और किसानों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि प्रतिदिन हमारे महाविद्यालय में कम से कम 15 से 20 कृषक आते हैं जो अपनी समस्याओं को लोगों उनका तत्काल वहीं पर हम निराकरण करते हैं। यहाँ पर जो बीज उत्पादन कार्यक्रम हो रहा है उससे किसानों को लाभ हो रहा है, आत्मा परियोजना है उनके माध्यम से हम कृषकों के खेतों में प्रदर्शन भी कर रहे हैं विभिन्न, और उसके साथ ही साथ उनको प्रशिक्षण देने का भी कार्य कर रहे हैं कि उन्नत कृषि अपनाने के लिए आपको क्या क्या तरीके, अधिक उत्पादन के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है, तो वो बताने का कार्य हमारे वैज्ञानिक लगातार हमारी टीम करती रह रही है कृषकों के खेतों में जाकर और हमारे महाविद्यालय के अंदर। इस प्रकार से हम दोनों तरह से प्रशिक्षण का कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें कि ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस दोनों प्रकार के प्रशिक्षण सम्मिलित हैं। धरती पर अवतार बनकर जन्म लेते हैं कुछ ऐसे जाबाज, ये जज्बे और जुनून से खुद लिखते हैं अपनी तकदीर। ऐसे किसानों की गौरव गाथा देखिए कदमों में आसमां हर गुरुवार रात 9:30 बजे DD किसान पर। DD किसान
बदलते भारत की शान। घर की चौखट से निकलकर जब भी कुछ अलग करने की ठानी, जज्बे और समझ से बदली खुद अपनी कहानी। चाहे हो पुरानी परंपरा को बचाना या फिर हो घर के खर्च को चलाना, चुनौतियों को पार कर जिंदगी में था आगे जाना। हर ग्रामीण महिला बनी मिसाल। देखिए इनके संघर्ष की दास्तान, सच होंगे सपने। हर शुक्रवार रात 9:30 डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। गर्व भारत के विकास का। गौरव प्रगति के विश्वास का। चेहरा भारतीय किसान का। परचम भारत की शान का। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, ये था हमारा आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम, जिसमें कि हमने जाना कि किस तरह से दुधारू पशुओं में आहार प्रबंधन किया जाना चाहिए, किस तरह से उन्हें संतुलित मात्रा में आहार जो है वो दिया जाना चाहिए, जिसमें हरे चारे के साथ सूखा चारा और दाना भी संतुलित मात्रा में होना चाहिए। इसके अलावा आज हमने कृषि महाविद्यालय की गतिविधियों से भी आपको रूबरू कराया, परिचित कराया। और इसी तरह की नई जानकारियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार।